हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। माय सेल्फ सौरभ गौतम। इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस वेरिएशन ऑफ एड्सॉर्प्शन विद प्रेशर एज वेल एज विद टेम्परेचर। टेम्परेचर और प्रेशर कैसे एड्सॉर्प्शन को इफेक्ट कर सकते हैं, हम इस लेक्चर में उनके बारे में पढ़ेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल एंड वेरिएशन ऑफ एड्सॉर्प्शन विद प्रेशर इज डिस्कस्ड इन द टर्म्स ऑफ फ्रेंडलिश एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेंडलिश एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म? फर्स्ट ऑफ ऑल, आइसोथर्म वर्ड का मतलब क्या होता है? आइसोथर्म, थर्म मतलब टेम्परेचर, आइसो मतलब सेम। अगर टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट रख के आप प्रेशर के साथ वेरिएशन चेक करोगे एड्सॉर्प्शन की और ग्राफ ड्रॉ करोगे, दैट ग्राफ इज कॉल्ड एज द फ्रेंडलिश एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म ग्राफ। ओके, अ ग्राफ बिटवीन द अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब पर ग्राम ऑफ एड्सॉर्बेंट, ओके, एंड द इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ द एड्सॉर्बेट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज द एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। ओके, मान लो यू हैव टेकन, आपने पाउडर्ड फॉर्म में यहाँ पे कोई लिया है एड्सॉर्बेंट, एम ग्राम ऑफ एड्सॉर्बेंट लिया, ओके क्लियर, और उसके ऊपर आपने कोई गैस जो है उसको रख दिया हुआ है। सम गैस इज गोइंग टू गेट एड्सॉर्ब्ड, लेटर से कि एक्स ग्राम ऑफ गैस इज एड्सॉर्ब हो रही है ऑन दिस एम ग्राम ऑफ एड्सॉर्बेंट। ओके क्लियर, और जो प्रेशर है आफ्टर एड्सॉर्प्शन, जब एड्सॉर्प्शन इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगी, जब इक्विलिब्रियम अटेन करने का मतलब क्या है, जब ये गैस जो एड्सॉर्ब हो रही है और जो ये एड्सॉर्बेंट, जब इनका जो जितनी एड्सॉर्प्शन हो चुकी है उसके बाद इक्विलिब्रियम आ जाएगा, उस इक्विलिब्रियम प्रेशर को बोलते हैं, उसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम प्रेशर। ओके, इस इक्विलिब्रियम प्रेशर पे कितनी एड्सॉर्ब हो चुका है, गैस एड्सॉर्ब हो चुकी है एक्स ग्राम, कितने के ऊपर एड्सॉर्ब हो चुकी है, एम ग्राम ऑफ एड्सॉर्बेंट। क्लियर, तो एक्सटेंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब हम कैसे मेजर करेंगे, एक्स बाय एम। ओके, ये रेशियो निकालोगे तो आपके पास ये आ जाएगा कि कितने ग्राम गैस एड्सॉर्ब हो रही है पर ग्राम ऑफ एड्सॉर्बेंट पे। ओके, और जो इसका ग्राफ एक्स बाय एम वर्सेस पी का ग्राफ एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, दैट ग्राफ इज कॉल्ड एज द फ्रेंडलिश एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म ग्राफ। और ऐसा ऑब्जर्व किया जाएगा एट लो प्रेशर, आप क्या ऑब्जर्व करोगे, एक्स बाय एम वर्सेस पी के ग्राफ में आप लो ऑब्जर्व करोगे, एट लो प्रेशर द एक्स बाय एम वर्सेस पी ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। इट मीन्स एक्स बाय एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी एट लो प्रेशर। ओके, मीन्स एक्स बाय एम इज इक्वल टू के पी रेस्ट पावर 1, लाइक दिस। देन आफ्टर एट हाई प्रेशर, जब प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, क्लियर, तो क्या होगा, एड्सॉर्प्शन, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन विल नॉट डिपेंड अपॉन द प्रेशर, तो पी रेस्ट पास 0, इट मीन्स एक्स बाय एम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तब क्या होगा, एक्स बाय एम की वैल्यू जो है वो कॉन्स्टेंट हो जाएगी, उसके उससे फर्दर एड्सॉर्प्शन नहीं होगी एट वेरी वेरी हाई प्रेशर। और उस प्रेशर को क्या बोलेंगे, दिस प्रेशर इज कॉल्ड एज द सेचुरेशन प्रेशर, कि इस प्रेशर के बाद जो है वो सेचुरेशन आ जाती है, एक्स बाय एम की अमाउंट चेंज होना बंद हो जाती है विद प्रेशर। ओके, एक्स बाय एम एक कॉन्स्टेंट वैल्यू पे आ जाता है, उसके बाद जितना मर्जी प्रेशर बढ़ा लो, देर नो मोर एड्सॉर्प्शन विल टेक प्लेस। आप इसको ऐसे समझ लो कि जैसे मान लो ये एड्सॉर्बेंट है, इसकी सारी की सारी सरफेस जो है वो कवर हो गई है, अब क्लियर, इसकी पूरी सरफेस पे एड्सॉर्बेट आ चुका है। ओके क्लियर, एंड एट इंटरमीडिएट रेंज ऑफ प्रेशर, इंटरमीडिएट रेंज ऑफ प्रेशर मतलब जब प्रेशर ना तो बहुत ज्यादा लो है ना तो बहुत ज्यादा हाई है, इंटरमीडिएट में क्या ऑब्जर्व किया गया है, एक्स बाय एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी रेस्ट पावर 1/n, वेर एन इज द इंटीजर, और 1/n की वैल्यू जो है वो 0 और 1 के बीच होगी। मीन्स एक्स बाय एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी नहीं होगा, ओके, और कॉन्स्टेंट भी नहीं होगा, पी पे डिपेंड कर रहा होगा, बट उसकी वेरिएशन पी ज्यादा बढ़ेगा, एक्स बाय एम थोड़ा बढ़ेगा। ओके, एक्स बाय एम इज इक्वल टू के पी रेस्ट पावर 1/n। ओके, दिस रिलेशनशिप पुट फॉरवर्ड बाय द फ्रेंडलिश इन 1909 एंड इज नोन एज फ्रेंडलिश एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। ये जो दिए हैं एक्सप्रेशन कि लो प्रेशर पे क्या होगा, हाई प्रेशर पे क्या होगा, इंटरमीडिएट रेंज ऑफ प्रेशर पे क्या होगा, दीज एक्सप्रेशन आर गिवन बाय द फ्रेंडलिश। ओके क्लियर, एंड दीज आर कॉल्ड एज द फ्रेंडलिश एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। ये जो इंटरमीडिएट रेंज वाला है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके क्लियर, और अगर ये जो इक्वेशन नंबर थर्ड है, इस इक्वेशन नंबर थर्ड में लॉग लें बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, क्या था आपके पास इक्वेशन नंबर थर्ड, एक्स बाय एम इज इक्वल टू के पी रेस्ट पावर 1/n। ओके,
अब इसमें दोनों साइड हमने लॉग ले लिया, तो क्या बन गया, लॉग एक्स बाय एम इज इक्वल टू लॉग के प्लस 1/n लॉग पी। दिस इज द इक्वेशन यू विल गेट लाइक दिस। ओके, ये इक्वेशन आपको मिल गई है। ओके तो अब आप देखोगे लॉग एक्स बाय एम वर्सेज लॉग पी का ग्राफ, दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन हैविंग एन इंटरसेप्ट। और इसको अगर आप कंपेयर करोगे वाई इक्वल टू सी प्लस एम एक्स के साथ, तो आपको पता लग जाएगा कि इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी आनी है लॉग के, एम की वैल्यू कितनी आनी है 1/n, एम मीन्स स्लोप ऑफ द लाइन। क्लियर? तो लॉग एक्स बाय एम वर्सेज लॉग पी की जो लाइन और जो ग्राफ आएगा, दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन विद स्लोप 1/n। तो यहाँ से आपका एन निकल आएगा। एंड सिमिलरली अगर के निकालना है जो कॉन्स्टेंट होता है, ओके, तो इंटरसेप्ट आप ऑब्जर्व करोगे दैट इज इक्वल टू लॉग के, वहां से आप के की वैल्यू निकाल सकते हो। ओके अब इसमें लिमिटेशंस भी हैं। शो डेविएशन फ्रॉम लीनियर बिहेवियर स्पेशली एट हाई प्रेशर। हाई प्रेशर पे जाके वो लीनियर बिहेवियर, ये वाला जो ग्राफ है लॉग एक्स बाय एम वर्सेस लॉग पी का ग्राफ जो होता है, ये लीनियर नहीं रहता, दैट शो डेविएशन फ्रॉम लीनियरिटी। ओके क्लियर? उसके बाद आप फ्रेंडलेस एडसॉर्प्शन आइसोथर्म जो है वो सॉल्यूशंस के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। मतलब मान लो आपने कोई एडसॉर्बेंट डाल दिया किसी सॉल्यूशन में, तो उस सॉल्यूशन में से जो सॉल्यूट है वो इसके ऊपर एडसॉर्ब होना शुरू हो जाएगा, इस पर्टिकुलर एडसॉर्बेंट के ऊपर। ओके क्लियर? तो उसके लिए क्या ऑब्जर्व किया गया है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एडसॉर्ब डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ एडसॉर्बेंट टेकन इज इक्वल टू के सी रेज टू पावर 1/n, वेयर सी इज दी कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। ये ऑब्जर्व किया गया, और इस एक्सप्रेशन को बोलते हैं फ्रेंडलिश एडसॉर्प्शन आइसोथर्म फॉर सोल्यूशन। ओके और इसके केस में अब भी आप अगर लॉग लोगे दोनों बोथ साइड, मतलब वहां पे प्रेशर था, एक बात और, जैसे यहाँ पे क्या था, एक्स बाय एम इज इक्वल टू के पी रेस पा 1/n, यहाँ पे प्रेशर था, यहाँ पे कंसेंट्रेशन आ जाएगी। प्रेशर जो है वो कंसेंट्रेशन से रिप्लेस हो जाएगा इन केस ऑफ सोल्यूशन। तो यहाँ पे अगर आप लॉग लोगे दोनों साइड, बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड यू विल गेट दिस इक्वेशन, और इस इक्वेशन को अगर पुट करोगे दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन विद इंटरसेप्ट लॉग के एंड स्लोप 1/n। ओके और वन मोर थिंग विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रेंडलिश एडसॉर्प्शन आइसोथर्म एप्लीकेबल टू द फिजिकल एडसॉर्प्शन ओनली। ये सिर्फ फिजिऑप्शन के लिए एप्लीकेबल होता है फ्रेंडलिश एडसॉर्प्शन आइसोथर्म, केमिकल एडसॉर्प्शन में ग्राफ्स ऐसे नहीं आएंगे आपके पास। ओके क्लियर? सो दिस इज द वेरिएशन ऑफ एडसॉर्प्शन विद प्रेशर कीपिंग टेम्परेचर कॉन्स्टेंट। ओके विच इज कॉल्ड एज द फ्रेंडलिश एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। नाउ वी विल डू सम न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन फ्रेंडलिश एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। प्रॉब्लम नंबर वन इज 50 ml ऑफ 1 मोलर ऑक्जैलिक एसिड। 50 ml लिया आपने 1 मोलर ऑक्जैलिक एसिड का, इज शेकन विद 0.5 ग्राम ऑफ वुड चारकोल। उसमें आपने वुड चारकोल डाल दी, ये सोल्यूशन लिया आपने 50 ml, उसमें आपने ये वुड चारकोल पुट कर दी। द फाइनल कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन आफ्टर एडसॉर्प्शन, उसमें से कुछ एडसॉर्ब हो गया होगा ऑक्सैलिक एसिड, कुछ एडसॉर्ब होगा वुड चारकोल के ऊपर। ओके एडसॉर्प्शन के से पहले कितनी कंसेंट्रेशन थी उस 50 ml सोल्यूशन की, 1 मोलर। अब कितनी कंसेंट्रेशन है, 0.5 मोलर। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड एब्जॉर्ब पर ग्राम ऑफ द चारकोल। ये पता लगाओ कि कितना ऑक्सैलिक एसिड एब्जॉर्ब हुआ है पर ग्राम ऑफ द चारकोल, मीन्स एक्स बाय एम रेशियो निकालनी है आपने। अमाउंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड एब्जॉर्ब डिवाइडेड बाय एम क्या है, मास ऑफ वुड चारकोल टेकन, वो कितनी लिया है, 0.5 ग्राम। आपने बस ये निकालना है कि कितना मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड डिजॉर्ब हुआ है। सबसे पहले ये पता लगाना पड़ेगा कि 50 ml 1 मोलर ऑक्सैलिक एसिड में कितना ऑक्सैलिक एसिड था। सो 50 ml ऑफ 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड कंटेन ऑक्सैलिक एसिड, उसमें कितना ऑक्सैलिक एसिड था, 6.6 ग्राम। ये हमने मोलैरिटी वाला फॉर्मूला लगा के निकाल लिया। ओके क्लियर? सोल्यूशन में पड़ा है ना मोलैरिटी का, वहां से निकाल लिया हमने। तो सिमिलरली बाद में 50 ml ऑफ 0.5 मोलर ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, जो कि उसकी कंसेंट्रेशन बची है आफ्टर एडसॉर्प्शन, इसमें कितना ऑक्सैलिक एसिड होगा ये निकाल लिया, वो कितना है, 3.15 ग्राम। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकल के आई कि सॉल्यूशन में पहले 6.6 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड था, आफ्टर एडसॉर्प्शन वो 3.15 ग्राम रह गया। इट मींस 3.15 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड एडसॉर्ब हुआ है, और वो किसने किया एडसॉर्ब, 0.5 ग्राम ऑफ वुड चारकोल ने। तो इट मींस ऑक्सैलिक एसिड एडसॉर्ब्ड कितना आया, 3.15 ग्राम, और कितनी चारकोल ने एडसॉर्ब किया, 0.5 ग्राम ऑफ चारकोल ने। तो यहां से क्या आ गया, एक्स बाय एम
निकाल रहे हो ना आप, यहाँ से एक्स बाय एम की वैल्यू क्या आ गई, 6.30 ग्राम पर ग्राम ऑफ वुड चारकोल। अगर 1 ग्राम वुड चारकोल लेते हो तो वो 6.3 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड को एड्सॉर्ब करता, तो यही आ गया आपके पास। तो फर्स्ट क्वेश्चन वाज वेरी वेरी इजी। नाउ द प्रॉब्लम नंबर टू, द फॉलोइंग डाटा वाज ऑब्टेन्ड फॉर द एड्सॉर्प्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड ऑन 3 ग्राम ऑफ चारकोल एट 0 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रखा है, ओके। तो इसके केस में देखा गया है कि अगर प्रेशर 180 mm रखें तो कितनी वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो एड्सॉर्ब होता है, दैट इज 16.5 cm³। इतना गैस का वॉल्यूम एड्सॉर्ब होता है। अगर प्रेशर इतना कर दें तो इतना आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड का वॉल्यूम एड्सॉर्ब होता है, ठीक है। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ गैस होगा उतना ही ज्यादा वॉल्यूम ऑफ गैस एड्सॉर्ब हुआ होगा, या उल्टा बोल लो, जितना ज्यादा वॉल्यूम ऑफ गैस एड्सॉर्ब हुआ है इट मीन्स उतना ही ज्यादा मास ऑफ गैस एड्सॉर्ब हुआ है। तो उन्होंने बोला कैलकुलेट कॉन्स्टेंट के एंड एन यूज इन दी फ्रेंडलिश इक्वेशन। तो फ्रेंडलिश इक्वेशन आइसोथर्म लगाओ, देर से लगा दिया आपने, लॉग ले लो दोनों साइड, ये आ गया। तो फॉर द फर्स्ट सेट ऑफ इक्वेशन, फर्स्ट सेट के लिए क्या आ रहा है, यहाँ पे प्रेशर कितना है 180 एटमोस्फेयर, और एक्स कितना है अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब, या हालांकि ये वॉल्यूम में दी हुई है तो कोई नहीं, हम वॉल्यूम में पुट कर देंगे 16.5। और कितने चारकोल ने एड्सॉर्ब करी है, 3 ग्राम ने, यहाँ पे एम क्या है 3 ग्राम ऑफ चारकोल, ठीक है। सिमिलरली दूसरे वाला डाटे में क्या हुआ, आप पी 540 mm पुट कर दोगे और कितनी गैस एड्सॉर्ब हुई है, 38.1, एक्स की जगह 38.1 mm आ जाएगा, cm³ आ जाएगा, और एम पे क्या आ जाएगा, 3 ग्राम ऑफ चारकोल, ठीक है, यहाँ पे 3 ग्राम। यहाँ से आपके पास ये दो इक्वेशंस आ गई, दिस एंड दिस। तो इन दोनों में दो वेरिएबल हैं, कौन कौन से, दो इक्वेशनें बन गई ना, एक दो, दो वेरिएबल के और एन। तो क्या करोगे, इन दोनों इक्वेशंस को आप के और एन के लिए सॉल्व कर लोगे, जैसे सब्ट्रैक्टिंग वन फ्रॉम टू, अगर ऐसा कर लें तो आपके पास एन की वैल्यू आ गई, आपने एन के लिए सॉल्व कर लिया इन दोनों इक्वेशन को, एन क्या आ गया 1.31। अब एन की वैल्यू पुट कर दो, देन आफ्टर यू विल गेट के पुटिंग वैल्यू ऑफ एन, पुट वैल्यू ऑफ एन इन इक्वेशन वन एंड गेट के ऑल्सो, ओके, ऐसे के भी निकल आएगा। सो दैट्स इट। तो ये थे आपके पास न्यूमेरिकल ऑफ फ्रेंडलिश एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। नाउ वी विल टॉक अबाउट दी वेरिएशन ऑफ एड्सॉर्प्शन विद टेम्परेचर। अब हम एड्सॉर्प्शन आइसोबार की बात करेंगे। आइसोबार मींस जब कांस्टेंट प्रेशर रखना है, तो आपने एड्सॉर्प्शन की वेरिएशन देखनी है टेम्परेचर के साथ, ओके। तो इसके लिए आपको पहले ये भी देखना पड़ता है कि आपका एड्सॉर्प्शन जो हो रही है वो केमिकल एड्सॉर्प्शन है कि फिजिकल एड्सॉर्प्शन है, ठीक है। इसके केस में हम क्या करेंगे, वी विल पुट अ ग्राफ, वी विल ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन द अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब पर ग्राम ऑफ एड्सॉर्बेंट विच इज डिटर्मिंड बाई एक्स बाई एम रेशियो एंड द टेम्परेचर। टेम्परेचर शुड बी डिनोटेड बाई दी कैपिटल के, एंड द टेम्परेचर टी एट कॉन्स्टेंट इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ द एड्सॉर्बेट गैस इज नोन एज एड्सॉर्प्शन आइसोबार, एड्सॉर्प्शन आइसोबार, ओके, क्लियर। तो आप इसमें क्या करोगे, आप एक्स बाय एम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ ड्रॉ करोगे एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ओके। तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन और केमिकल एड्सॉर्प्शन में ग्राफ डिफरेंट आ रहा है, हालांकि पिछले वाले में केमिकल हो चाहे फिजिकल हो दोनों में ग्राफ वैसा ही आता है जैसे फ्रेंडलिश एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म हमने बोला है, ओके। हालांकि आपको डेविएशन भी देखने को मिलती है केमिकल में, बट वो लेटर ऑन मिलती है, इनिशियल में नहीं। बट इसके केस में आपने देखा कि फिजिकल एड्सॉर्प्शन के केस में कॉन्स्टेंटली एक्स बाय एम की वैल्यू डिक्रीज करेगी बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ठीक है। बट केमिकल एड्सॉर्प्शन के केस में क्या होता है, आपके पास शुरू में एक्स बाय एम की वैल्यू इंक्रीज करती है विद द टेम्परेचर, देन इट स्टार्ट टू डिक्रीज, ओके। तो फॉर केमिकल एड्सॉर्प्शन देर इज इनिशियल इंक्रीज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट हीट सप्लाइड एक्ट एज एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर केमिकल एड्सॉर्प्शन। जैसे केमिकल, हमें पता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होना हो तो उसको पहले एनर्जी बैरियर क्रॉस करना पड़ता है, ये वाला, और इतनी एनर्जी को क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। तो केमिकल एड्सॉर्प्शन के लिए भी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है। तो शुरू में जो आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो स्टार्टिंग में, जैसे जो जब आप जीरो से इस टेम्परेचर तक आए, तो ये जो जितना भी टेम्परेचर चेंज है वो एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए जा रहा है। तो इसलिए आपने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे एड्सॉर्प्शन बढ़ रही है शुरू में। उसके बाद आपको पता है, अगर आप, ठीक है, क्लियर, ये हो गया, ये तो क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है
जैसे फिजिकल एडसॉर्प्शन के केस में एक्स बाय एम की वैल्यू टेम्परेचर के साथ क्यों डिक्रीज होती है? क्योंकि जो गैस एडसॉर्ब होने आ रही है, अगर इसको ज्यादा टेम्परेचर दोगे तो इसकी रैंडमनेस बढ़ जाएगी, तो ये काइनेटिक एनर्जी अगर इसके मॉलिक्यूल्स की बढ़ गई तो क्या होगा, ये एडसॉर्ब नहीं होगी, उल्टा स्कैटर कर जाएगी। उसके बाद एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद इसमें भी ऐसा ही ट्रेंड देखने को मिलता है केमिकल एडसॉर्प्शन के केस में, अगर आप टेम्परेचर फर्दर बढ़ाते जा रहे हो। ठीक है, शुरू में बढ़ने का कारण क्या है? बिकॉज एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड। ओके, क्लियर। और उस एक्टिवेशन एनर्जी को प्रोवाइड करने के लिए टेम्परेचर जो दिया जाता है वो सारा का सारा एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ाने में चला जाता है। ओके, इसलिए शुरू में इंक्रीज देखने को मिलता है इन केस ऑफ केमिकल एडसॉर्प्शन, और फिजिकल कॉन्स्टेंटली डिक्रीज करती है विद द टेम्परेचर। ओके, और केमिकल जो है, जो केमिकल एडसॉर्प्शन है वो विद टेम्परेचर एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद ऐसी ही वेरिएशन शो करती है जैसे फिजिकल में होती है, लाइक दिस। ओके, तो दिस इज कॉल्ड एज दी, और ये जो ग्राफ हैं दीज आर कॉल्ड एज दी एडसॉर्प्शन आइसोबार्स। ओके, नाउ ये कॉम्पिटिशन का टॉपिक है। ओके, अगर आप सिर्फ बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो इसको करने की जरूरत नहीं है, कॉम्पिटिशनल टॉपिक को। उसमें आता है लैंगमेयर एडसॉर्प्शन आइसोथर्म, एंड इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हायर क्लासेस में आपको ये पक्का देखने को मिलेगा। ओके, लैंगमेयर एडसॉर्प्शन आइसोथर्म जो होती है ये दोनों के लिए एप्लीकेबल होती है, केमिकल एडसॉर्प्शन के लिए भी और फिजिकल एडसॉर्प्शन के लिए भी। ओके, इसमें बस एक अजम्पशन है कि एडसॉर्प्शन जो होती है वो यूनिमोलिकुलर होती है, मतलब मान लो ये आपका एडसॉर्बेंट है, इसके ऊपर जो एडसॉर्प्शन होगी वो बस उसकी वजह से सिर्फ एक लेयर ही बनेगी, ये नहीं होगा कि गैस के मॉलिक्यूल फर्दर एडसॉर्ब होके और लेयर्स बनाने शुरू कर देंगे ऊपर के ऊपर, ऐसे नहीं होता। इसमें मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर्स नहीं माना जाता है, चाहे फिजिकल एडसॉर्प्शन हो चाहे केमिकल एडसॉर्प्शन हो, ये थ्योरी एज्यूम करके चलती है कि देयर विल बी अ यूनिमोलिक्यूलर लेयर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एडसॉर्प्शन और ड्यूरिंग द एडसॉर्प्शन। ओके, अजम्पशन क्या है हमारे पास? एडसॉर्प्शन टू बी यूनिमोलिक्यूलर। ओके, इसमें बेटर एग्रीमेंट, इसका बेटर एग्रीमेंट है विद द एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज। ओके, जैसे रिलेशनशिप में क्या आता है, इसमें इसने क्या रिलेशनशिप दिया प्रेशर और एक्स बाय एम का? एक्स बाय एम इज इक्वल टू ए पी बाय वन प्लस बी पी। ओके, वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स, ए और बी क्या हैं? कॉन्स्टेंट्स। ओके, जो किस पे डिपेंड करेंगे? दिस विल डिपेंड अपॉन दी नेचर ऑफ गैस एडसॉर्ब, गैस बीइंग एडसॉर्ब मतलब जो एडसॉर्बेंट है उसके ऊपर, नेचर ऑफ सॉलिड मतलब एडसॉर्बेंट के ऊपर, उसके बाद टेम्परेचर के ऊपर। ये जो ए और बी है ये गैस पे, नेचर ऑफ सॉलिड पे और टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। क्लियर। अब इसके केस में देखें कुछ ग्राफ ड्रॉ करके, इसके केस में ग्राफ ड्रॉ करने के लिए यू हैव टू रेसिप्रोकेट द इक्वेशन वन, एक्स बाय एम, एम बाय एक्स बन जाएगा इसमें, तो इसमें ये ग्राफ आ गया। तो इसमें अगर आप इसको वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करो, यू विल गेट स्लोप इक्वल टू 1/a एंड इंटरसेप्ट इक्वल टू b/a। और आप ग्राफ किस में ड्रॉ कर रहे हो? एक्स बाय एम बाय एक्स वर्सेस 1/p में ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो, तो ये जो इंटरसेप्ट मिलेगा दैट विल बी b/a, और जो इस लाइन की स्लोप मिलेगी दैट विल बी 1/a। ओके, तो यहाँ से आप एम बाय एक्स वर्सेज 1/p का ग्राफ ड्रॉ करके ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, और लैंगमेयर एडसॉर्प्शन आइसोथर्म के केस में एक्स बाय एम इज, एक्स बाय एम और पी का रिलेशन क्या है? दिस इज दिस। ओके, ये नहीं भूलना आपने, ये याद रखना है, कॉम्पिटिशन में कई बार इसके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कई बार इसमें से ए और बी निकालने को बोला जाता है, तब क्या करोगे? यू विल डू रेसिप्रोकेट। ओके, उसका ग्राफ ड्रॉ करो, इंटरसेप्ट और स्लोप की वैल्यू से ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। ओके, अब जैसे इसी से आप, इसी फ्रेंडलिश, इसी से लैंगमेयर एडसॉर्प्शन आइसोथर्म से आप फ्रेंडलिश एडसॉर्प्शन आइसोथर्म को भी निकाल सकते हो। जैसे फ्रेंडलिश एडसॉर्प्शन आइसोथर्म के केस में क्या था? एट लो प्रेशर क्या होगा? ठीक है, आपके पास इक्वेशन क्या है? एक्स बाय एम इज इक्वल टू ए बाय ए इंटू पी प्लस 1/bp। ओके, दिस इज द लैंगमेयर एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। अगर लो प्रेशर होगा, लो प्रेशर पे बीपी की वैल्यू बहुत लेस होगी एज कम्पेरिजन टू वन, तो एक्स बाय एम इज इक्वल टू एपी आ जाएगा, जो कि फ्रेंडलिश ने बोला था कि एक्स बाय एम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई बाय द पी रेस्ट पावर 1। ओके, एट लो प्रेशर। और एट हाई प्रेशर क्या होगा? वन नेग्लेक्ट हो जाएगा बीपी के कंपैरिजन में, पी और पी कट जाएगा, एक्स बाय एम इज इक्वल टू ए बाय बी, ए बाय बी मीन्स कॉन्स्टेंट, इट मीन्स जो एक्स बाय एम इज इक्वल टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी रेस्ट टू पावर 0, मीन्स एक्स बाय एम की जो प्रोपोर्शनैलिटी है प्रेशर के ऊपर, या एक्स बाय एम की जो डिपेंडेंस है प्रेशर के ऊपर, वो कम हो जाती है। तो इट मीन्स आप फ्रेंडलेस एडसॉर्प्शन आइसोथर्म को भी डराइव कर सकते हो बाय यूजिंग द लैंगमेयर एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। ओके, और इंटरमीडिएट पे वही, यही वाला रिलेशन चलेगा, एक्स बाय एम इज इक्वल टू ए बाय पी प्लस 1/bp।
क्लियर? तो इससे आपके पास x बाय एम जो है अल्टीमेटली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी रेस्ट पावर 1 बाय एन ही बनेगा फॉर इंटरमीडिएट रेंज ऑफ प्रेशर. तो दिस इज दी लैंगमेयर एडसॉर्प्शन आइसोथर्म एंड इट इज हाउ यू कैन ड्राइव फ्रेंडलेस एडसॉर्प्शन आइसोथर्म फ्रॉम लैंगमेयर एडसॉर्प्शन आइसोथर्म. बस ये याद रखना है कि इसमें मेन अजम्पशन इसने क्या लिया है लैंगमेयर में और फ्रेंडलेस एडसॉर्प्शन आइसोथर्म में क्या डिफरेंट है, कि उसने बोला था कि उसने कोई यूनिमोलिकुलर नहीं बोला कि एडसॉर्प्शन जो है यूनिमोलिकुलर होना चाहिए, सिर्फ एक लेयर बननी चाहिए, ठीक है. बट इसमें अजम्पशन ये ले ली गई है कि जो एडसॉर्प्शन है दैट विल बी यूनिमोलिक्यूलर. लैंगमेयर एडसॉर्प्शन आइसोथर्म में ये वाली अजम्पशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स इट फॉर टूडे. ओके, एंड द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस कैटालिसिस. ओके, इनकम्प्लीट. सो दैट्स इट. थैंक यू स्टूडेंट्स.